आज के वीडियो में आपको प्रीति जिंटा का अपने बेबीज के लिए स्पेशल डिश बनाने के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ समय पहले ही प्रीति जिंटा और उनके हस्बैंड जीन गुडेनफ शादी के कई साल के बाद सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बने हैं। प्रीति जिंटा और उनके हस्बैंड ने काफी समय से बेबीज के लिए ट्राई करते रहे, बट वो किसी तरह भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे और एट लास्ट उन्होंने सरोगेसी के थ्रू पेरेंट्स बनने का डिसीजन लिया और अब वो सरोगेसी के थ्रू ट्विन बेबीज के पेरेंट्स बन चुके हैं और वो इस सब पर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। जहां प्रीति जिंटा मदरहुड की जर्नी को शुरू करके बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, वहीं वो अपने बेबीज का हर काम भी खुद अपने हाथों से करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो अपने बेबीज की खुद ही केयर करें और उनके लिए खाना भी खुद बनाए। और अब रिसेंटली प्रीति जिंटा ने अपने बेबीज के लिए खाना बनाते हुए एक वीडियो शेयर की है। प्रीति जिंटा का कहना है कि वो बहुत चिंतित रहती हैं। वो चाहती हैं कि उनके बेबीज को प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट मिले और इसके लिए वो कोशिश करती हैं कि वो अपने बेबीज के लिए खुद ही न्यूट्रिशनल डाइट बनाए ताकि वो उनको खुद खाना बनाकर खिला सकें। और एक मदर इंस्टिंक्ट जो होती है, जो चाहती है कि उनके बच्चों को हर अच्छी चीज मिले, वो भी उनकी इसी तरह सेटिस्फाई रहती है। प्रीति जिंटा ने शेयर किया कि वो अपने बेबीज के लिए खुद खाना बना रही हैं, जिसमें हर तरह की प्रोटीन, फैट्स और हर चीज का ख्याल रखा गया है ताकि बेबी को एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट मिल सके और बेबी खुशी खुशी वो सब खाएं और साथ में हेल्दी रहें। प्रीति जिंटा अपने फैंस के साथ अपने बेबीज के कुछ स्निपेट्स भी शेयर करती रहती हैं, जिसमें वो अपने बेबीज के बारे में अपने फैंस के साथ हर चीज शेयर करती हैं। रिसेंटली प्रीति जिंटा इंडिया आई हैं और इंडिया आते हुए वो ऋतिक रोशन के साथ फ्लाइट में आई, जहां पर उन्होंने ऋतिक रोशन का बहुत ज्यादा थैंक यू किया क्योंकि उन्होंने इस लॉन्ग फ्लाइट में प्रीति जिंटा का उनके बेबीज को संभालने में बहुत ज्यादा हेल्प की। और प्रीति जिंटा ऋतिक रोशन की हेल्प पाकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि ऋतिक रोशन उनके बेस्ट फ्रेंड हैं और इस तरह से उनके ख्याल रखना उन्हें बहुत ज्यादा अच्छा लगा। आपको प्रीति जिंटा का अपने बेबीज के लिए स्पेशल डिश कुक करना कैसा लगा, हमें कमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।